इतिहास कभी भी जोड़े को एक साथ मिलाने के बारे में सावधान नहीं रहा है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इटली में सबसे अजीब जोड़ी में से एक था जब भारतीय स्वतंत्रता नेता मोहनदास करमचंद गांधी दिसंबर 1931 में रोम में सैन्यवादी फासीवादी इतालवी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी से मिले थे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इटली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अहिंसा और सत्याग्रह के बीच एक संबंध है। सत्याग्रह को कभी कभी अहिंसा के पूरे सिद्धांत को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा के बिना सत्य की खोज संभव नहीं है। अहिंसा और सत्य इतने परस्पर जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग करना और अलग करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। वे एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। अहिंसा साधन है, सत्य अंत है। साधन होना हमेशा हमारी पहुंच के भीतर होना चाहिए और इसलिए अहिंसा हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी महात्मा गांधी जी के विचारों को विश्व के सामने स्थापित करने का प्रयास करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.